कि पहले हम फ्री बॉडी डाइग्राम ड्रॉ करेंगे देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स चेक करेंगे देन अकॉर्डिंगली हमें इक्वेशंस फॉर्म करना है एंड देन वी विल सॉल्व राइट सो यहाँ पे देखो चार फ्री बॉडी डाइग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं कैपिटल एम और दो पुलिस एंड स्मॉल एम सो कैपिटल एम में ऊपर टी वन नीचे इसका वेट राइट right? यहाँ पे फर्स्ट पुली में यहाँ पे टी टू है नीचे टी वन है और यहाँ पे टी टू है और नीचे टी थ्री है राइट right? और स्मॉल एम में नीचे इसका वेट है और ऊपर क्या है टी थ्री फाइन सो आप देखो कि जो कैपिटल एम है वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है विथ एक्सेलरेशन ए और जो स्मॉल एम है वो ऊपर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ए सो इफ जो कैपिटल एम है वो डाउनवर्ड जाएगा और स्मॉल एम ऊपर जाएगा देन यू कैन फील द सेंस ऑफ रोटेशन फॉर द टू पुलिस आप फील करके देखो ये जो दो पुलिस है ये इस तरह से एंटी एंटीक्लॉकवाइज रोटेट करेंगे राइट right? सो so, इनका जो एंगुलर एक्जेलरेशन आएगा दैट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेट से अल्फ़ा वन एंड अल्फ़ा टू ना वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो so हमारे पास टी वन टी टू टी थ्री अल्फा वन अल्फ़ा टू एंड एक्जेलरेशन सिक्स वेरिएबल्स हैं एंड फोर फ्री बॉडी डाइग्राम्स हैं राइट सो पहले चेक करते हैं कितनी इक्वेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखो नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड सो नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस टी वन दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन राइट यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा सो जो अल्फ़ा है दैट इज एन एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन सो नेट फोर नेट टॉर्क इन एंटी एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट इज नेट टॉर्क इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन देखो टी वन माइनस टी टू इन आर दैट इज आई इंटू अल्फ़ा वन नाउ यहाँ पे देखो एंगुलर एक्जेलरेशन एंटीक्लॉक वाइज सो नेट टॉर्क इन एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट इज टी टू माइनस टी थ्री इन टू आर दैट इज आई इंटू अल्फ़ा टू राइट और यहाँ पे देखो नेट फोर्स इन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्जेलरेशन एक्जरेशन ऊपर है इट मीन्स नेट फोर्स इन द अपर इन द अपवर डायरेक्शन टी थ्री माइनस स्मॉल एम जी दैट इज़ एम इन टू ए सो यहाँ से हमें चार इक्वेशंस मिल गई लाइक ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ये सेकेंड इक्वेशन है अल्फ़ा वन है ये राइट ये सेकेंड इक्वेशन है ये थर्ड इक्वेशन है और ये फोर्थ इक्वेशन है नाउ दो इक्वेशन और चाहिए सो कहाँ से आएगा फ्रॉम नो स्लिपिंग सी इन द क्वेश्चन नथिंग इज मैंशन लाइक ये नहीं दे रखा है कि स्लिपिंग होगा कहीं पर देन यू कैन एज्यूम दैट देयर इज नो स्लिपिंग अंटिल इट इज मैंशनड इन द क्वेश्चन दैट कहीं पे स्लिपिंग हो रहा है यू कैन एज्यूम कि कहीं पे स्लिपिंग नहीं हो रहा है राइट सो वट इज द कंडीशन दैट देर इज नो स्लिपिंग बिटवीन पुली नंबर वन दिस इज माई फर्स्ट पुली एंड द स्ट्रिंग अगर स्लिपिंग नहीं है बिटवीन द फर्स्ट पुलिस एंड द स्ट्रिंग स्ट्रिंग का जो एक्सलरेशन है स्ट्रिंग का एक्सलेरेशन कितना होगा ए दैट शुड बीक्वल टू द एक्सलेन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्क्यूम फेरेंस ऑफ दुली मीन्स पुलिस के सर्क्यूम फेरेंस पे अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं सो so उस पॉइंट का जो लीनियर एक्सलेन आएगा कितना आएगा आर इंटू अल्फा वन दैट शुड बीवल टू द एक्लेशन ऑफ द स्ट्रिंग सिमिलरली यहाँ पे देखो एक्सलेशन ऑफ द स्ट्रिंग विल बी ए and if i take any point on the circumference of the pulley its linear acceleration will be r into alpha 2 right now hamare paas ye fifth equation hai aur ye sixth equation hai now hame uh, acceleration ka value find out karna hai so baki ke jo unnecessary variables hai na unhe hum reduce kar sakte hain like jahan pe bhi aapko alpha 1 dikhega aap use a upon r put kar sakte ho right? Similarly यहाँ से देखो जहाँ पे भी आपको alpha 2 दिखेगा वहाँ पे a upon r put कर सकते हो so, पहले check करो यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर टू पे इसे हम मॉडिफाई करते हैं टी वन माइनस टी टू इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा वन अल्फा वन को ए अपॉन आर पुट करो और एक आर और है जो कि डिनोमिनेटर में जाएगा सो आर स्क्वायर राइट सिमिलरली यहां पे देखो थर्ड इक्वेशन में टी टू माइनस टी थ्री दैट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा टू दैट इज ए अपॉन आर और एक आर और है जो कि डिनोमिनेटर में जाएगा सो आर स्क्वायर इस तरह से राइट right? नाव uh, हमारे पास चार इक्वेशंस हैं और चार वेरिएबल हैं लाइक आप देखो फर्स्ट इक्वेशन ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है राइट right? ये फर्स्ट इक्वेशन ये लेट्स कॉल इट 2.1 और ये हमारी 2. सॉरी 3.1 हो गई और ये इक्वेशन कौन सी है फोर्थ इक्वेशन और वेरिएबल्स क्या क्या बचे हैं t1, t2, t3 टू टी थ्री एंड एक्जेलेरेशन एक्जेलेशन का तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है इट मीन्स t1, t2, t3 टू टी थ्री को एलिमिनेट करना है सो so, अगर मैं ये दो इक्वेशंस को ऐड करता हूँ लाइक टू पॉइंट वन और थ्री पॉइंट वन को ऐड करते हैं सो so, देखो टी टू कैंसिल हो रहा है सो so, क्या आएगा टी वन माइनस टी थ्री दैट इज इक्वल टू टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर राइट ये हमारे नए इक्वेशन आ गया अभी हम क्या करते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड करते हैं सो so, देखो टी वन भी कैंसिल हो जाएगा ना सो टी वन कैंसिल हो जाएगा सो so कितना आ जाएगा कैपिटल एम जी माइनस टी थ्री दैट इज कैपिटल एम ए प्लस टू आई ए अपन आर स्क्वायर राइट नाव टी थ्री बचाए सो टी थ्री कहाँ से कैंसिल uh, होगा ये वाली इक्वेशन देखो ये जो फोर्थ इक्वेशन है ये बची है टी थ्री माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए राइट सो ये जो दो इक्वेशंस बची है इन्हें हम ऐड कर देंगे सो so, यहाँ से भी टी थ्री कैंसल हो जाएगा सो so, दो इक्वेशन को ऐड करो सो कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी दैट इज़ स्मॉल एम ए प्लस कैपिटल एम ए प्लस टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर सो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू आप निकाल सकते हो दैट इज़ कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इन टू जी डिवाइडेड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम प्लस टू आई अपॉन आर स्क्वायर राइट इस तरह से बाय द वे आप इसे थोड़ा स्मार्टली भी सॉल्व कर सकते हो अगर आप इनिशियली ये एज्यूम कर लो कि जो एंगुलर एक्जेलरेशन है फॉर द टू पुलिस दैट विल भी सेम है ना बिकॉज आइडेंटिकल पुलिस है और रेडियस भी सेम है देआर फॉर एंगुलर एक्जरेशन भी सेम होगा और डायरेक्टली आप एंगुलर एक्जेरेशन को ए अपॉन आर पुट कर सकते हो लाइक अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो देन डायरेक्टली आप यू नो फ्यू स्टेप्स को स्किप करके और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी रिड्यूस कर सकते हो सो आई थिंक यू हैव एंडस्टो लेट वी नो इफ्यू स्टिल